की तरह सोई पड़ी है। ए नीला, नीला, टाइम क्या हुआ कुछ पता है? चल उठ, उठ ना, बोल रही हूँ, उठ, आज कॉलेज नहीं जाना है। छोड़ो ना दीदी, उठ ना। ये क्या दीदी, मैं बढ़िया सा एक सपना देख रही थी पर आपने जगा दिया। किसी बंदर के बारे में सोचकर सोई होगी। तेरे जीजा उठ गए हैं, पूजा भी हो गई होगी, चल। परीक्षा के समय मैं ऐसी सोती रहती है, जब देखो सोती आत्मा। तेरा फर्स्ट रैंक कोई और हड़प लेगा। हाँ, जैसे आपने फर्स्ट रैंक में पास किया हो। हाँ, आओ बैठो। क्या हुआ नई स्टेनो के अपॉइंटमेंट के बारे में? कल इंटरव्यू रखा है, आप आएंगे क्या? मैं नहीं आऊंगा, वो सब मुझे पसंद नहीं। ऑफिस का काम तुम्हें संभालो, वही काफी। एक दामाद की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह ही तुम्हें मैं मानता हूं। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। मैं इस घर में जब आया था एक अनाथ था, अब मेरे लिए सब है। साफ मन वालों का भगवान हमेशा साथ देता है। मेरी पत्नी के मरते समय वसुंधरा और नीला छोटी बच्ची थी, उन्हें पालना पोसना, उनके लिए कमाना ही मेरा उद्देश्य था। अब ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तुझे मैं? डैडी, दीदी को देखिए ना। ये क्या दोनों सुबह सुबह झगड़ने लगी? झगड़ा नहीं डैडी, ये आज कॉलेज नहीं जा रही है सुस्त आत्मा। मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा, दीदी झूठ बोल रही है। ए, तुम्हें मैं देख लूंगी। ए, रुको रुको, दोनों इतने बड़े हो गए लेकिन दोनों का बचपन अभी तक नहीं गया। सुनिए जीजा जी, आप अपनी बीवी को संभालिए, मैं अपने आप को खुद संभाल लूंगी। ओहो, तुम इतनी बड़ी हो गई, चुपचाप जीजा के साथ कॉलेज जाओ, पढ़ाई सबसे पहले, बाकी सब बाद में। कौन जाएगा इनकी खटारा गाड़ी में? मैं पैदल चली जाऊंगी। आजकल तुम्हें पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है ना नीलू? डैडी, पता है ये क्यों पैदल जाना चाहती है? दीदी क्यों? एक्सरसाइज है ना दीदी? हाँ, उसी के लिए एक्सरसाइज। जैसी छुटकी वैसी बड़की। क्या बोले? गधा घोड़े को भी गधा बना देता है। मैडम, हो गया? क्या? टाइपिंग कर तो रही हूँ। वो तो ठीक है, मगर मेरी बात का बुरा मत मानना। क्यों? हमारा मैनेजर है ना वासु, वो बहुत खतरनाक है। मैं उनसे बोल दूंगी। बोल दो। क्यों रे, तुम दोनों लैला मजनू हो? नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, नारायण मालती का आया, जरा उसे मेरे कमरे में भेजना। जी अच्छा सर। हेलो, हाँ, यस, कल ही इंटरव्यू है। ओके सर। वासु, हाँ, कल इंटरव्यू है। हाँ, जाओ। जी अच्छा सर। सारा टाइप हो गया? वो सर, टाइप हो गया या नहीं? अभी कर दूंगी सर, मेरे होते हुए एक और स्टैंड किस लिए? काम करने के लिए, अब तुम जाओ। मुझे आपसे पहले काम करो। प्रवीण, तुम्हें हिम्मत नहीं है। तुम्हारे घर जैसा नहीं है मेरा घर, पिताजी की कोई प्रॉब्लम नहीं, माँ की ही प्रॉब्लम है। देखो, ये सब मुझसे मत बोलो, मेरे घर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। बात मानो, मुझे थोड़ा वक्त दो। प्रवीण, हमारी शादी ना हो कोई बात नहीं, पर हम पति पत्नी की तरह जी रहे हैं ना। हम ऐसे ही रहे तो कैसा रहेगा? ऐसे ही रहे तो ये समाज हमें कच्चा निकल जाएगा। कुछ भी हो जाए मैं फौरन माँ से बात करूंगा। करनी ही होगी, नहीं तो मैं खुद मंगल सूत्र पहन कर सीधे तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगी। ऐसा कुछ मत करना, हमारी इज्जत का सवाल है। नहीं तो घर ठहरा कर आ जाऊंगी। तुम कुछ भी कर सकती हो, दीदी का कुछ तो असर होगा तुम्हें। देखो, मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो, मेरी दीदी कितनी अच्छी है तुम्हें पता है, हेमंत जीजा जी को देखते ही शादी कर ली। तुम्हारे जीजा तो बेचारे फंस गए, मुझे वैसा मत समझना। मर्द को कैसे अपने वश में रखना चाहिए, मैं अच्छी तरह। अब बोलो, वैसे भी कॉलेज का एक दिन तो छूट ही गया, सिनेमा, बीच, कहाँ जाए तुम्हें बोलो, योर चॉइस। गुस्से में हो? हाँ। सच बोलूं तो मैंने
क्वार्टर से ज्यादा नहीं पिया। रहने दो, तुम्हारे इस तरह के बहाने में कई बार सुन चुकी हूँ। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, अब से तुम जितना पिलाओगी मैं उतना ही पीऊंगा, कसम से कसम से कसम से। बस करो, खाना ठीक से खाया या नहीं? कहाँ से खाएगा, पत्नी गुस्सा होता पति कहाँ से खाएगा। क्या कहा? पड़ोस में पत्नी पति की थाली का बचा हुआ खाना खाती है भगवान का प्रसाद मानकर, मगर यहाँ बाकी बचा हुआ कुत्ते बिल्ली है, किस्मत ही ऐसी है। सुनिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। पति का बचा हुआ तुम क्यों नहीं खाती हो? मैं आजकल डाइटिंग पर हूँ, अपने मोटापे को थोड़ा कम करने के लिए एक्सरसाइज भी करती हूँ। उसके बाद तुम बहुत सुंदर लगोगी। तो क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं, मैंने तो मजाक में कहा, तुम इस साइज में भी सुंदर हो। नो नो, सच कह रहा हूँ, मगर भूल से भी मेरे ऊपर मत गिर जाना, नहीं तो मेरा कचूमर बन जाएगा। सुनिए, मैंने जो कहा याद है ना? क्या? सुमति की बात। कुल मिलाकर एक ही पोस्ट है, उसके लिए 20 अर्जी आई हैं, फिर भी मेरी पत्नी की सिफारिश है। ओके, सुमति को ही मिलेगी वो पोस्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय। श्यामला, मैं हूँ, आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मैथिली। अच्छा नाम है, ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। मैथिली, आओ। वासु, इनका नाम है सितारा। ओके। इन्हें अपॉइंट किया है। मगर सितारा के लिए ये नया शहर है। ओके सर। अपना गेस्ट हाउस है ना, वो साफ करा कर दे दो। ओके सर। सारी सहूलियत होनी चाहिए। थैंक यू सर। प्लीज कम। सर, ये नौकरी मैडम के मामा की लड़की के लिए थी ना? यहाँ नौकरी किसे देनी है किसे नहीं, ये मेरा काम है, तुम अपना काम करो, जाओ। ओहो, तुम अभी तक सोई नहीं, क्या हुआ? तुम ऑफिस जाते समय क्या बोलकर गए थे? आज इंटरव्यू है, कई लोग आए थे, सब बेकार थे। मैं
मैंने जब फोन किया तो तुमने काट क्यों दिया था? ऑफिस में काफी काम था ना। मैं सब जानती हूँ ऑफिस का काम। ऐसा क्या काम था? पत्नी के साथ थोड़ी देर बात करने से कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा? तुम जरूर मन में कुछ रखकर बोल रही हो। इंटरव्यू केवल फॉर्मेलिटी है, यही बोला था ना? हाँ बोला तो वैसा ही था। सुमति को मिलने वाला काम सुना है किसी और को दे दिया। ओहो, तो ये बात है। हाँ वही बात है, तुम पर विश्वास करके सुमति को यहाँ बुला लिया। मैंने ये काम जानबूझकर किसी और को नहीं दिया। और मेरी विश्वास कर लूँ? विश्वास करना होगा, मैंने जानबूझकर किसी और को नहीं रखा। तो मेरी बातों का कोई मायना नहीं, झूठ मत बोलो। मैंने वैसा सोचकर ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी कंपनी है, वहाँ तुम्हारा ही शासन चलता है। ऐसे में बेचारी सुमति को तुमने धोखा दिया। मैंने बोला ना, जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे पढ़ाने वाले मास्टर की बेटी थी, मैं उस परिवार का एहसानमंद हूँ। अगली नौकरी सुमति को दे देंगे। वो कौन है? कौन? नई स्टेनो। उसे देखते ही नौकरी दे देने का क्या कारण था? काफी पढ़ी लिखी है, एक्सपीरियंस है। क्यों, मेरा इम्तिहान ले रही हो? नहीं, ऐसे ही जानकारी के लिए मैं पूछ रही हूँ। वैसे वहाँ जो होता है सब मुझे अच्छी तरह मालूम है। टैलेंट वालों को मौका देना चाहिए, सगे संबंधियों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। ऑफिस के काम में मैं दखल दे रही हूँ इसलिए तुम गुस्सा हो? तुम्हें बेकार में शक है। यही तो तुम्हारी परेशानी है, कुछ भी बोलो शक करने लगते हो। ऐसा तुम सोच रही हो? क्या हुआ, क्यों झगड़ रहे हो? मैंने कुछ बोल सकती हूँ और नहीं कुछ पूछ सकती हूँ। ओके ओके, इसमें मुझे कुछ गलत नहीं दिखता। मुझे सब पता है, ये काम मैंने सुमति को देने को कहा था। अभी इसे रहने दो, सुमति को दूसरी वैकेंसी दे देंगे। क्यों, ठीक है? हेलो सितारा, मैं हूँ हेमंत। क्या हुआ? ऑफिस में कुछ बात नहीं कर सका। बात की थी ना, अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी दिया था, उसके अलावा बढ़िया रहने के लिए घर का इंतजाम भी करके दिया। एक साधारण सी स्टेनो को इन सब की क्या जरूरत? तुम्हारे लिए जितना भी करो वो कम होगा। मैं क्या कोई पराया हूँ? नहीं, मैं काम करने वाली कंपनी के MD, सॉरी मालिक। हम दोनों के बीच क्या यही संबंध है? मैं समझी नहीं। तुम ऐसे बोलोगे तो मुझे दुख होगा। मुझे मदद नहीं चाहिए, एहसान भी नहीं चाहिए। जो चाहिए वो है कि फोन करके मुझे परेशान मत करना। नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बात करनी है, वो भी अभी। नहीं, मुझे और भी काम है। प्लीज सितारा, तुम्हें देखे कितने साल हो गए, मैं तुम्हें अभी देखना चाहता हूँ, मैं वहाँ आ रहा हूँ। मत आना, अगर तुम आए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। परेशान मत करो प्लीज। सितारा, रात भर में सो नहीं पाया। खूबसूरत बीवी वाले पति की बिल्कुल ऐसी ही हालत होती है। मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। तुम्हारे यहाँ होते हुए मैं वहाँ चैन से कैसे रह सकता हूँ? ये सेंटिमेंट तो कभी के दफन हो चुके हैं। सितारा, हमने जो दिन साथ में बिताए, घूमे फिरे, सब इतनी जल्दी भूल सकते हैं? भूलने की कोशिश कर रही हूँ अपनी पिछली प्यार भरी जिंदगी को। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, देखो ईश्वर की कृपा से हम दोनों फिर से नजदीक आ गए। प्लीज, तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो रहने दो, तुम जा सकते हो। सितारा, पुरानी प्रेम कहानी को फिर से दोहराने के लिए ही तुम आए हो ना? सितारा, तुम कुछ भी बोलो, बुरा नहीं मानूंगा, मगर मेरी कोई गलती नहीं है, इसके खिलाफ तुम्हारे पिताजी ही थे। कई सालों का साथ, तन मन से प्रेम किया, पति पत्नी की तरह हम दोनों रहे, मेरा वही पहला और आखिरी प्यार है, बस ये जन्म ऐसे ही रहने दो। तुम खुद को सजा मत दो, तकदीर को जीतने का हमें मौका मिला है। अब तुम एक पति हो, तुम्हारा एक परिवार है, मेरा रोना धोना मेरी तकदीर के साथ ही रहने दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मैंने दिन रात तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, मेरी परेशानी मेरा दुख कोई नहीं जानता। अभी भी सारी सहूलतें हैं तुम्हारे पास। हैं, मगर तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जहाँ से आए वहीं चली जाओ, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो प्लीज। सितारा, इतनी क्रूरता के साथ तुम ये सब क्यों बोल रही हो? बोलूंगी, बोलकर ही रहूंगी। तुम अभी मेरे बॉस हो, मैं तुम्हारी एक स्टाफ हूँ, इस रिश्ते को पाक रखना मेरा फर्ज है। वो ऑफिस में, ये तुम्हारा घर है,
मेरी सितारा का घर, जाम एक है। तुम मुझे भगाओगी तो भी मैं वापस आऊंगा, तुम मेरा पहला प्यार हो। वो सब शॉपिंग के लिए गए हैं। मैं जानती हूँ। तुम्हें जो चाहिए बोलो, हम भी शॉपिंग करेंगे। मुझसे दूर रहो, वही काफी है। ऐसा मत बोलो, तुम नारायण को चाहती हो ये मैं जानता हूँ। मैं उसे डरती हूँ। तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा हाथ मत पकड़ो। तो एक काम करो, खुद मेरे साथ चलो। तो पहले मुझे बूंदे खरीद के दो। पूरे एक दर्जन खरीद कर दूंगा, तुम मेरी रानी हो। नहीं दिलाई तो इस बंगले के सामने मैं हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। हाँ ओहो, ये हड़ताल पर बैठ सकती है, बड़ी तेज है। हे भगवान, अब तू ही बचा। एक्सक्यूज मत बोलो, ये सरकारी बात है। अभी तुरंत भेजता हूँ सर। पगार सही समय पर लेते हो ना, फिर फाइल भेजने में इतनी देर क्यों? जाओ अपना काम करो। क्यों सर, काफी टेंशन में है, क्या बात है मुझे बताइए। मुझे जो टेंशन है तुमसे बोलूं तो क्या तुम दूर कर सकोगी? सर वो, जाओ अपना काम करो। अरे सितारा आओ बैठो। नहीं मुझे काम है। ये भी काम का एक भाग है, बैठो, मुझे कुछ जानना है। ये ऑफिस है, यहाँ पर बात मत करिए। तो फिर तुम ही कोई जगह बताओ, हम वहाँ जाएंगे। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। सितारा प्लीज मुझे पागल मत बनाओ। हेमंत मुझे अलग रहने दो, मेरी इज्जत से मत खेलो। तुमने अगर सच में मुझसे प्यार किया है तो तुम आओगी, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती, जीजा जी अक्सर यहाँ आते हैं। वो सब जानते हैं, कल वो मुझे देखकर मुस्कुराए थे, मैं तो घबरा गया था। वो बहुत बेचारे हैं, बहुत चाहते हैं मुझे। पास में ही अच्छी पिक्चर चल रही है, चलें? मुझे नहीं देखनी, अगर मैं ऐसे ही घूमती फिरती रही तो परीक्षा में जीरो मिलेगा। फैमिली प्लानिंग में तुम्हें 100 मार्क्स मिलेंगे। मजाक मत करो, अब चलो मुझे कॉलेज पे ड्रॉप कर दो। चलो। पहले मैं ऐसी अवस्था में वेट क्या करती थी। मैं भी। नुकसान तो मुझे ही है, पिताजी की जिद, माँ की लड़ाई, सहेलियों का मजाक, कुल मिलाकर बेइज्जती। मैं एक अनाथ हूँ, बेरोजगार था, इसीलिए तुमने मुझे छोड़ा। तुमने जब बुलाया उस वक्त मुझ में हिम्मत ही नहीं थी, अब मेरे साथ है सिर्फ मेरे दुख। जब भी मैं सोचती हूँ तो दुखी होती हूँ। कुछ भी हो, वो खुशियों भरे दिन तुम भूल सकती हो क्या? कुछ नहीं भूली, मेरी इच्छाएं सब दिल के अंदर ही चूर चूर हो गई। गांव वालों के डर से ही मैंने वो गांव छोड़ा। उससे क्या फायदा, किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। नहीं, मैं इस इच्छा से तुम्हारे पास नहीं आई हूँ, बस ऐसे ही आना चाहा, तुम्हारे सामने आ पहुँची। तो ये एक मीठी लड़ाई है ना? मेरा वैसा कोई उद्देश्य नहीं, मगर पुरानी यादों में मैं जाने को तैयार नहीं, समझ लो ये मेरा नया जन्म है। पर मैं आज भी वही हेमंत हूँ। तुम्हारी अब पत्नी, रिश्तेदार सब है, बेकार में मेरी जिंदगी से मत खेलो, मैं अपनी जिंदगी खुद जी लूंगी अपनी यादों के सहारे। सितारा अब कभी भी मुझे मत बुलाना, कुछ भी याद मत दिलाना, तुम्हारी सितारा मर चुकी। कितना ही काम हो आप जल्दी आ जाना। क्या बात है? बात है, डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना है। कोई प्रॉब्लम है? वो सब डॉक्टर से मिलने पर पता चलेगा। बिना किसी वजह से डॉक्टर के पास क्यों जाना? भला एक कंप्लीट चेकअप कराने में परेशानी क्या है? तुम कुछ छुपा रही हो, बोलो क्या प्रॉब्लम है? वो जानोगी तो ही आओगी। ऐसी बात नहीं, मैं नहीं आ सकता, डैडी या नीला को साथ में ले जाना। तो फिर मुझे नहीं जाना। नाराज मत हो, मैं आ जाऊंगा। 4 बजे तैयार रहूंगी, तुम आ जाना। श्योर, आ जाऊंगा, बाय।
अरे क्यों सिंधु, क्या हुआ? तुम डोलती हुई आ रही हो? नहीं, वो रूम में। रूम में नीला डांस कर रही है। ओ तो ये बात है, तुम जाओ। तुम क्या रिकॉर्ड डांस करने जा रही हो? ये क्या है, हाथ में जरा दिखाओ। नहीं। ओहो, वो बंदर छाप प्रवीण है। ठीक है, बहुत जल्दी ही इस बीमारी का डैडी से कोई इलाज करवाना ही पड़ेगा। दीदी नहीं। सिंधु जरा देखो तो डैडी है क्या? सिंधु नहीं। होले से गुल्ली मारी है ना? मैंने कोई गुल्ली नहीं मारी, वहाँ हड़ताल है दीदी, प्रवीण ही मुझे यहाँ लेकर आया। तो यही तुम्हारी पढ़ाई हो रही है हम? वो फोटो इधर दो। दीदी नहीं, दीदी मुझे दिखाओ। नहीं दीदी, दीदी मुझे दिखाओ ना। दो, मैं कहती हूँ दो। मालती जी, तुम्हारे साहब को जरा फोन देना। साहब तो चले गए मैडम। कब? थोड़ी देर हुई, कोई अर्जेंट काम में बोल कर गए। ओ मंगलसूत्र पहनाकर पत्नी बनाना भले ही कानून हो, पर मेरे मन में तुम पत्नी स्वरूप हो। मेरा इतना बोलने पर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने केवल एक को ही चाहा, प्यार किया है। नहीं हेमंत, हमें अब नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मत बोलो सितारा, मैं तुमसे ना मिलूं तो पागल हो जाऊंगा। नहीं हेमंत, मुझे कुछ मत याद दिला। मेरी जिंदगी का तुम ही पहला प्यार, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। बोलो सितारा। तुम्हारे बाहों में बिताना चाहती हूँ। मैं भी, पर इस तरह और कितने दिन रहूं? क्या बोल रहे हो, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? हमारी पढ़ाई खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। पढ़ाई खत्म होने पर भी हम लोग यहीं तो रहेंगे। जल्दी ही कोई नौकरी ढूंढनी होगी। वो मिल जाएगी, मैं डैडी से बात करती हूँ। नहीं, पिछली बार मुझे कैसे घूर रहे थे याद है? डैडी की भी इच्छा है पर बताते नहीं। मुझे तुम चाहो वही बहुत है। केवल चाहना ही काफी है, मेरी डैडी से आकर मिलो, सब ठीक हो जाएगा। साथ ही शादी की बात कर ले। मैं ही आकर तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। पहले नौकरी फिर शादी। मैं इंतजार नहीं कर सकता, तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। उन्होंने मना किया तो तुम्हें आना पड़ेगा। आऊंगी। शांति पड़ गई, मैंने पहले ही बोला था ना। इसमें मैं
क्या करूं? बोलो। मैं गरीब हूं, बेरोजगार हूं, ये सब मैंने सह लिया, मगर तुम्हारे डैडी ने जब मुझे अनाथ बोला। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो, डैडी शायद गुस्से में बोल गए। वही, तुम्हारे डैडी के गुस्से ने मेरे दिल में छुरा भोंक दिया। मेरी खातिर सब्र करो हेमंत। जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने आने से मना क्यों किया? मैं आज तो आ गई ना, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो फिर चलो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। ओहो, काफी देर हो गई, चलो चले। मेरी बात का जवाब नहीं दोगे? तुम नहीं आओगे? चलो हेमंत, चलो। अरे वाह, सुबह सुबह मंदिर से आ रही हो? आज अच्छा दिन था, इसीलिए सवेरे ही उठकर मंदिर चली गई। तुम्हें बुलाना चाहा, पर फिर मैं ही चली गई। अच्छा हुआ, नहीं तो वहाँ के पुजारी को देखकर मेरा मूड ही खराब हो जाता। क्या मैं पुजारी से मिलने के लिए मंदिर गई थी? उस पुजारी की नजरें तुम पर। छी छी, नहीं सच, तुम पर वो पुजारी ही नहीं, साक्षात भगवान भी तुम पर फिदा हो जाएंगे। बेकार की बातें मत करो, लो प्रसाद लो। अच्छा, आज क्या विशेष बात है? ये भी भूल गए, आज के दिन ही तुमने मुझे मंगलसूत्र पहनाया था। ओह, वेडिंग एनिवर्सरी, छी, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी डार्लिंग। सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं, मुझे उपहार चाहिए। पिछली बार तुमने जितने भी उपहार मुझे खरीद कर दिए थे वो सब मैंने संभाल कर रखे हैं। तो क्या हुआ, इस बार भी उपहार मैं खरीद कर दूंगा? कुछ नहीं चाहिए, बस आज पूरा दिन मेरी खातिर बिना पिए मेरे साथ ही रहो, कहीं मत जाना। आज हम सब साथ में एक साथ। आज मैं यहीं पर रहूंगा, पर उससे पहले एक अच्छा सा उपहार लेकर मैं आता हूँ। इस बार क्या दोगे? वो एक सस्पेंस है, ओके? आज मैं नहीं पीऊंगा, तुम्हारी कसम। अरे वाह, क्या मुस्कुराहट है। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं आऊंगा सोचा नहीं था ना, मैं एक सरप्राइज के साथ ही यहाँ आया हूँ। ऐसी कौन सी सरप्राइज? मेरी जिंदगी में अब से तुम ही हो, आज मेरी शादी की सालगिरह। ओह, बहुत बड़े चेंज वाला दिन है ये। हाँ, अब उससे भी ज्यादा चेंज के लिए एक बड़ा उपहार लाया हूँ तुम्हारे लिए, पहले तुम उसके बाद ही वो। कैसे उपहार, दिखाओ ना। ये देख। वंडरफुल, कितना सुंदर है। सो सॉरी डियर, आने में थोड़ी देरी होगी। तुमने आज भी पी? रोक नहीं सका, सॉरी। कम से कम आज तो बिना पिए रह सकते थे ना, मेरी कसम भी खाई थी। उसी के लिए तो सॉरी बोला ना, कहो तो तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं तो बर्दाश्त नहीं होती। दरअसल आज कुछ ज्यादा ही होगी। आज हम लोग साथ में खाना खाएंगे, तुमने बोला था ना। अभी तक मैं बिना कुछ खाए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सॉरी, मैं तो खा कर आया हूँ दोस्तों के साथ, चिकन बिरयानी, देखो अभी तक खुशबू है। मतलब तुमने खाना खा लिया? हाँ। ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी दोस्तों को दे दो।
आज तेरा कॉलेज नहीं है? है, पर क्यों पढ़ू सोच रही हूँ। क्यों, पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है? उसके लिए नहीं, रोजाना पढ़ने वाली तुम और जीजा जी में हमेशा कोई ना कोई झगड़ा होता है। तो यही बात है। हाँ, कितनी अच्छी जोड़ी थी तुम्हारी, पर अब छुओ तो झगड़ा। मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है? कल तुमने बेकार में जीजा जी के साथ झगड़ा किया। तुम्हें हकीकत मालूम नहीं इसलिए ऐसा बोल रही हो। तुम दोनों खानदानी दुश्मन की तरह बदल गए हो। ये कहाँ खत्म होगा पता नहीं, पर सभी लोग परेशान हैं। शादी के बाद ये सब तुम्हारी जिंदगी में भी होगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा। हवा के बिना पत्ते नहीं हिलते। दीदी, गलती तुम्हारी भी है। कैसी गलती? गलती ढूंढने की तुम खुद कोशिश कर रही हो दीदी। वैसी कोई बात नहीं, तुम्हें उपदेश में उतना अनुभव मेरे पास नहीं है। मगर एक बात कहूंगी, तुम कुछ ज्यादा ही भड़क रही हो। माफ करने वाली जगह पर माफ करना चाहिए। तुम जीजा जी की तरफदारी मत करो। मैंने किसी की तरफदारी नहीं की। खुशियां भरे परिवार का सर्वनाश न हो जाए इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तुम्हें देख के सीखने वाली मैं हूँ, ये याद रखना। ये साहब पता नहीं कहाँ है। साहब, साहब क्या है? इंदू, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। साहब नहीं है? साहब ऑफिस ही गए हैं। वहाँ तो दिखे नहीं, बहुत जरूरी फाइलें थी। पर यहाँ तो कोई नहीं है। पर हम दोनों तो हैं। अंदर चलें। ठीक, बेकार की बातें मत करो। बेकार की नहीं, बहुत काम की बात है। तुम्हारे अंदर मैंने एक चीज देखी है। क्या? मुस्कुराहट। आई लव यू सिंधु। अब छोड़ो भी। बुढ़ा है ना, मालिक का ससुर बहुत अय्याश है, संभल कर रहना। तो मेरी सहायता कौन करेगा? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? जी वो फाइल मालिक के लिए मैं। कम ऑन। फिर क्या, मैं जाके आराम से सो गया। पत्नी का श्राप मत लेना हेमंत, उसका कोई परिहार नहीं। तो फिर तुम्हारा श्राप? कुछ भी हो, मेरे लिए कोई परिहार नहीं है। मैंने ठान लिया है। किस बारे में? अगर मैं जीऊं तो तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, अब आई ना लाइन पर। तुम्हें किताबें क्यों फेंक रही हो? किसी ने कुछ बोला क्या? ये क्या है? दिखाई नहीं देता, प्रेस कर रही हूं। बात करो दूसरों की मदद करना। ये क्या बोल रही हो, किसी दूसरे की? ये किसकी शर्ट है पता है ना? मंगलसूत्र पहनाने वाले पति की, जो भगवान स्वरूप होता है। तू मेरा मजाक उड़ा रही है? तो क्या करूं बोलो, मैंने खुद देखा। तू क्या पागल हो गई है? किसे देखा है तूने? छी, बस करो अब उसकी मदद करना। अब ये सब उसे ही करने दो।
चर्बी चढ़ गई है तुझे, अपनी चर्बी मुझे दिखा रही है। तो मुझे जितना भी मानो मैं सह लूंगी। अपना गुस्सा और आवेश उस पर उतारो। किस पर उतारूं? उस आशिक जीजा पर। तू थोड़ा साफ साफ बता। मैंने खुद देखा दीदी, जीजा तुम्हें धोखा दे रहे हैं। वो जिस टेनो सितारा है, जीजा उसके पीछे पड़े हैं। सच बोल रही है? तूने खुद देखा? या किसी के बहकाव में आकर ऐसा कह रही है? नहीं दीदी, मैंने खुद देखा दोनों को एक साथ। मुझे तो जैसे काटो तो खून नहीं। ये सब काफी दिनों से चल रहा है, सबका यही कहना है। बस बहुत हो गया, तू अंदर जा। वसुंधरा, क्यों चेहरा फूला हुआ सा है? तबीयत ठीक नहीं है? क्यों, मैं बीमार नहीं पड़ी इसलिए तुम्हें चिंता हो रही है? क्यों ऐसा बोल रही हो? तो फिर कैसे बोलूं? अर्जेंट काम पूरे हो गए? वो तो सुबह ही कर दिए थे। तो आराम करने के लिए तुम यहाँ आए हो? इस तरह क्यों मुझे बातों से नोच रही हो? नहीं समझी, तुम्हारा नाटक बहुत हो गया। तुमने इस परिवार के प्यार का अच्छा सिला दिया। बेकार का टेंशन मत दो, साफ साफ बोलो। उस सितारा का वो मैं सितारा और तुम्हारे बीच क्या संबंध है? जान पहचान, पुराना प्यार या फिर रखेल? चुप कर, मुझे आज फैसला चाहिए, अभी चाहिए। या तो मैं या फिर वो। मुझे तो तुम्हें चाहिए। तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं सह नहीं सकती। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मतलब हमारे संबंध तोड़कर उसके पास जाने के लिए? बोलो, डैडी इंतजाम कर देंगे। पति को बांटना मुझसे नहीं होगा। डैडी, मुझे किसने बुलवाया? किसलिए, ये वो तो तुम जानते हो ना। ओह, कॉम्प्रोमाइज। ऐसे ही समझ लो, बच्चों की गलतियां सुधारने के लिए मैं बीच में कोई रोल अदा करूं, इसमें कोई गलती नहीं ना। कोई गलती नहीं, मगर परेशानी, मेरा मतलब बढ़ा मत देना। इसकी तुम चिंता मत करो बेटी, एक पिता अपनी औलाद की जिंदगी बर्बाद करेगा, क्या तुम ऐसा सोचते हो? अभी आप जो करने जा रहे हैं वो है आपके खुद की बेटी के लिए वकालत, नहीं तो क्या बच्चों की गलतियां आप बता सकते हैं? तुमने जब मुझे डैडी कह के बुलाया, मैं तभी से अपना बड़ा बेटा तुम्हें समझ बैठा। तुम मुझ पर शक मत करो। ऐसा शक किए बिना कैसे रहूं? बेटी के लिए आपने दामाद जो खरीदा है। हेमंत, शब्दों का मतलब अच्छी तरह समझ कर बोलो। नहीं तो क्या, काम मांगने आया मैं, मेरे गले अपनी लड़की बांध दी, कोई रास्ता नहीं था इसलिए मैं भी मान गया, उसकी सजा ही अब मैं भुगत रहा हूं। ओहो, तो ये है तुम्हारे मन में, जो तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते वैसी सहूलियत तुम्हें दी गई, उसकी सजा है ये? तो फिर मैं क्या बोलूं? आपने सुना जो वसुंधरा ने मुझे बोला? बोलते समय सोचना भी चाहिए, मंगलसूत्र पहनाने वाला पति दूसरी औरत के साथ ऐश करे, ये गलत बात है। तुम अपनी गलती छुपाकर समस्या को दूसरी तरफ मत घुमाओ। आप ही बोलिए, अब मैं क्या करूं? पति पत्नी के बीच रहने वाला संबंध छोड़कर दुनिया भर की समस्याएं पैदा करके छोड़ती है। तुम्हारी तरह अगर वसुंधरा कर बैठे तुम सहन कर पाओगे? गलती सभी से होती है, तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा ही था, मेरे भी कुछ रहस्यमय रिश्ते थे, लेकिन वो सब परिवार के लिए, खानदान के लिए हानिकारक नहीं थे। तो फिर मैं? कुछ मत बोलो, सोने आने गलती तुम्हारी साइड है, कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं उसे एकदम से नहीं छोड़ सकता, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। प्रेमी प्रेमिका, सुनो, कॉलेज में पढ़ते समय सभी के ऐसे दोस्त होते हैं, वो सब कॉलेज छोड़ते समय भूल जाना चाहिए, उन्हें मन में रखकर जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। गलती कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, मगर सुधारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वसुंधरा बहुत गुस्से में है, संबंध टूट जाएंगे ऐसा मुझे शक है। दोनों का बिछड़ना बहुत साधारण बात है, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, इसे विवेक के साथ हैंडल करना होगा। खास भूमिका तुम्हारी, जाओ उसको प्यार से समझाओ, उस सितारा से कोई संबंध नहीं रखूंगा ऐसा विश्वास दिलाओ।
ठीक है डैडी, मैं अब से आपको वसुंधरा को कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अभी जाकर उससे माफी मांगता हूं। नहीं नहीं चाहिए। अब मैं कभी भी इस जहर को नहीं पीऊंगा। मैं विश्वास करूं? ये वाकई एक शैतान है। सच में? ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम्हारी कसम, नहीं पीऊंगा। अब कोई खराब आदत नहीं डालूंगा, कसम से। हेलो, कौन? मैं हूँ, तुम यहाँ क्यों नहीं आए? वो क्या है कि एक खास काम से मुझे खास जगह पर जाना था। मैं मिलना चाहती हूँ, फौरन यहाँ आओ। मेरा इंतजार मत करना, मुझे काफी काम है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठो। मैं बैठूंगी नहीं। क्यों, हमें दिया सब क्या है? ये कंप्यूटर है, ये ऑफिस की चीज है। क्या मजाक सोच रहा है? अब तुम क्या जाना चाहती हो? मैंने जब कल फोन किया तो काट क्यों दिया? वसुंधरा पास में थी। तो मेरे घर क्यों नहीं आए? रोजाना आकर नाम खराब ना हो जाए इसीलिए। तुम मुझे जानबूझकर ठुकरा रहे हो ना? ये तुम्हारी सोच है। हाँ, क्योंकि तुमने ऐसा सोचने पर मुझे मजबूर किया। हमारा ऐसा रहना ही सबके लिए अच्छा होगा। क्या मतलब? मेरी पत्नी है, परिवार है, समाज में इज्जत है, ये सब तुमने खुद मुझसे उतारा। नहीं, फिर से मुझे बहलाकर, प्यार की चिंगारी जलाकर अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुशियों भरी जिंदगी बिताने बिल्कुल नहीं दूंगी। सितारा, ये ऑफिस है, धीरे बोलो, लोग सुन लेंगे। सुनने दो, सबको जानना चाहिए। बीच पर, पार्क में, रेस्टोरेंट में जब घूमे, उस वक्त लोगों की चिंता नहीं थी तुम्हें? उस वक्त की बात कुछ और थी। सब कुछ हो जाने के बाद मुझे मझधार में छोड़कर तुम बच जाओगे ये मत सोचना। पुरानी सितारा नहीं हूँ मैं। तुम क्या करोगी? तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम बेकार में आवेश मत आओ, मैं इस समस्या का समाधान जरूर ढूंढूंगा। मुझे धोखा देकर मजे लूटकर अब शरीफ मत बनो। मुझे अब चाहिए तुम, यानी तुम्हारा जिस्म। उसके बीच जो भी आएगा मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी के साथ खेलने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगी, समझ गए? देखो, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। मैं कुछ नहीं जानती, जवाब भी नहीं दे पाऊंगी। इस तरह की बातें क्यों कर रही हो सितारा? मैंने कुछ भी तो गलत नहीं बोला। मैं यहाँ आई हूँ तुमसे न्याय मांगने के लिए। मैं कोई जज नहीं हूँ जो किसी अपराधी का फैसला सुनाऊं। मेरे पति की खातिर, जिंदगी की खातिर मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। वो तुम्हारी जिंदगी है, मुझे ठुकरा कर इस हाल में पहुँचाने वाला तुम्हारा पति ही है। चाहे कैसा भी प्रायश्चित हो, बोलो मैं करूंगी। तुम क्या करोगी? लो, ये रख लो, ये बस है या और चाहिए? इन पैसों से सही होने वाली गलती क्या तुम्हारे पति ने की है? मेरी जवानी, मेरा नाम, मेरी जिंदगी, ये सब इन पैसों से दे सकोगी? सितारा प्लीज, ये एक पत्नी की याचना है। अपने पति को मैं बहुत चाहती हूँ, तभी तो उन्होंने मुझसे शादी की। मंगलसूत्र पहनाने से पुरुष पति नहीं कहलाता। तुमने तो उन्हें पैसों से खरीदा है। उससे पहले वो दिन रात मेरे साथ ही रहते थे। मेरे सारे सुखों को उन्होंने इस्तेमाल किया। उनकी असली पत्नी मैं ही हूँ, ये सितारा ही। तुम जा सकती हो। सितारा, यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, इससे ज्यादा पैसे मैं तुम्हें देती हूँ। तुम उन्हें मेरे लिए छोड़ दो, यही मेरा फैसला है। गेट आउट। शादी से पहले उनसे हुई गलती मैंने माफ कर दी। तुमने इस गांव में आकर मेरे पति को बांटा, वो भी मैंने माफ कर दिया। मगर मेरे पास से उन्हें पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये इस वसुंधरा का फैसला है। बी केयरफुल। अब एक मिनट भी सितारा को ऑफिस में मत रखना। तुम उससे मिली थी? मिली थी। तुम फौरन उसकी नौकरी से छुट्टी कर दो। वो एकदम से नहीं होगा, उसके लिए कोई कारण चाहिए। उसकी इस गलती से बढ़कर क्या कारण चाहिए? वो दूसरों से नहीं बोल सकते ना। तुम नहीं बोल सकते
तो डैडी से बोलने को बोलूंगी। नहीं, मैंने फैसला किया है, उसे भगाने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। हेलो हेमंत, रॉन्ग नंबर। हेलो, फोन कट कर रहे हो? सितारा, ये कोई मजाक नहीं, दूसरों की जिंदगी से बेकार में मत खेलो। मगर मेरी जिंदगी से जैसे जी में आए खेले, एक बार धोखा दिया, मैंने माफ किया, मैं शराफत से थी, फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या करोगी? धमकी दे रहे हो? मुझे पुरानी सितारा समझना तुम्हारा वहम है। मुझे घबरा रही है? वही समझो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे फौरन तुमसे मिलना है। किस लिए? तुम पहले यहाँ आओ, मुझे तुमसे मिलना है, नहीं तो मैं वहाँ पहुँचूंगी। सितारा प्लीज, मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद मत करो। तो फिर तुम यहाँ आओ, पार्क के पास तुम्हारा इंतजार करूंगी। सोचा नहीं था ना, है ना? ये सब सोचने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैंने तुमसे भीख मांगी, तुम्हें पैसे भी दिए, तुम नहीं मानी। तुम्हें मेरा पति चाहिए, मेरे परिवार का नाश करना चाहती हो? मेरे लिए खुद की जिंदगी अहम है, तुम्हारे कारण ही मेरा हेमंत दूर हो गया मुझसे, मुझे वो चाहिए। तुम्हें यहाँ भेजने वाले उस बेशरम को मैं पाकर ही रहूंगी। तुम कुछ नहीं पाएगी। Oh, my God.
वसुंधरा वसुंधरा हेमंत, हो सका तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। वसुंधरा नहीं, Oh, my God.